दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दूध के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें दूध पीना पसंद नहीं है। दूध ना पीने वालों में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि जवान और बूढ़े हर उम्र के लोग शामिल हैं। अब ऐसे लोगों को दूध की न्यूट्रिशंस भी चाहिए, इसी के लिए मार्केट में अलग अलग एडिटिव्स आते हैं जिन्हें दूध में मिलाकर दूध की शक्ति और टेस्ट दोनों को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्नवीटा के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आखिर फैक्ट्री में कैसे बॉर्नवीटा को बनाया जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं बॉर्नवीटा को तैयार करने के लिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बॉर्नवीटा पीने के फायदे और नुकसान क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बॉर्नवीटा के फायदे तो हैं, साथ ही साथ इसके नुकसान भी हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस के लिए। दोस्तों, बॉर्नवीटा कैसे बनती है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी बॉर्नवीटा बनाती है और ये कंपनी कैसे बनी। आपने कैडबरी कंपनी का डेयरी मिल्क तो खाया ही होगा। ये वही कंपनी है जो बॉर्नवीटा बनाती है। इंडिया में डेयरी मिल्क कंपनी की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर आप इसे इंडियन कंपनी समझने की भूल ना करें। हम आपको बता दें कि ये एक ब्रिटेन की कंपनी है। कैडबरी जितनी पुरानी कंपनी है उतनी ही पुरानी बॉर्नवीटा भी है, और बॉर्नवीटा की अपनी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। कैडबरी कंपनी का चॉकलेट तो आप सबने जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे शुरू हुई थी? दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी कैडबरी, जॉन कैडबरी का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन नीची जाति में जन्म होने के कारण इन्हें कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला और ना ही अच्छे स्कूल में एडमिशन। फिर दोस्तों, इस शख्स ने खुद का चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक्स का शॉप खोला। इनके चॉकलेट ड्रिंक्स लोगों को बहुत अधिक पसंद आने लगे। इसके बाद इन्होंने एक चॉकलेट कारखाना खोला और अनोखे स्वाद के कारण आज इनकी 19 बिलियन की कंपनी है। दरअसल सन 1920 में ब्रिटेन की इसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें फुल क्रीम मिल्क, एग्स, चॉकलेट और माल्ट्स को मिक्स किया गया था। क्योंकि टेस्टी ड्रिंक को सबसे पहले इंग्लैंड के बॉर्नविल गांव में बनाया गया था, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम बॉर्नवीटा रख दिया गया। दोस्तों, इंडिया में कैडबरी कंपनी की शुरुआत सन 1948 में हुई और इसी साल बॉर्नवीटा भी इंडियन मार्केट में बिकना शुरू हो गया। दोस्तों, अब जानते हैं कि बॉर्नवीटा को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, बॉर्नवीटा बनाने की प्रोसेस सबसे पहले फैक्ट्री से नहीं बल्कि खेतों से शुरू होती है। इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी जिस चीज की होती है वो है कोका, और इसीलिए कोकोवा के हाई क्वालिटी फ्रूट्स की जरूरत होती है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि कैडबरी कंपनी के पास अपनी खुद की कोकोवा फार्म भी है। दोस्तों, सबसे पहले इसके फलों को इकट्ठा करके इसे तोड़ा जाता है और इसके बाद इन फलों में से इनके बीज को इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो यह है कि इन बीजों को निकालने के बाद तुरंत ही इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि तुरंत निकले हुए बीज की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। इसीलिए इन बीजों को अच्छे से सूखने के लिए इन्हें खुले आसमान में तो हफ्तों तक रख दिया जाता है। इन बीजों के सूखने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है। बीजों के अच्छे से सूख जाने के बाद इन्हें अच्छे से पैकेट्स में भरकर पैक कर दिया जाता है और फिर इसे फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सारा काम इंडिया में ही होता है? जी हाँ दोस्तों, ये काम साउथ इंडिया में होता है। हम आपको बता दें कि इंडिया में कैडबरी कंपनी का प्रोडक्शन मोंडलिज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड देखती है। ये कंपनी कैडबरी इंडिया में बिस्किट से लेकर पाउडर तक के काम को संभालती है। जब ये कोकोवा कंपनी तक पहुंच जाती है तो इसे कंपनी में अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है, ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं। जब ये सीड्स अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, फिर से क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है। दोस्तों, आप इस ब्राउन कलर के पाउडर को देखकर इसे बॉर्नवीटा समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी तो ये प्रोसेस शुरू ही हुआ है। अच्छे से प्रोसेस करने के बाद इस पाउडर में कई तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, बेकिंग सोडा और आपका पसंदीदा चॉकलेट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स किया जाता है। दोस्तों, ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप बॉर्नवीटा के लगे लेवल पर देखते हैं। इसमें
एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स मिलाकर इस मिक्सचर को और भी न्यूट्रिशियस बनाया जाता है। इस मसाले को लेकर एक बड़े से मिक्सचर में डाल दिया जाता है, जहां इसे 2 घंटे तक अच्छे से ब्लेंड किया जाता है। इन 2 घंटों में सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, और जब ये मिक्सचर पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है तो इसे निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस के खत्म होते ही बारी आती है पैकेजिंग की। दोस्तों, पैकेजिंग करने के लिए कंपनी में मौजूद वर्कर अलग अलग वेट के डिब्बों में इसे उसके क्वांटिटी के अनुसार पैक कर देते हैं, जिसके बाद इस बॉर्नविटा को आपके दूध के गिलास के लिए कंपनी से मार्केट तक के सफर पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बॉर्नविटा की खपत भारत में ही होती है, लेकिन फिर भी इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू पहले से काफी गिर गई है। बॉर्नविटा के फायदे। दोस्तों, बॉर्नविटा पीने से हमारे शरीर में एनर्जी आती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम विटामिन की अधिक मात्रा होने के कारण ये हमारी हड्डियों को अधिक मजबूत बनाने का काम करती है। बॉर्नविटा का उपयोग इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनमें बॉर्नविटा का उपयोग किया जाता है। हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉर्नविटा को यूज करने से हमारी हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है और मसल्स भी मजबूत होते हैं। बॉर्नविटा के अंदर प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं, और हमारी बॉडी कब ग्रोथ कर जाती है हमें पता भी नहीं चलता। इसे पीने से हम हर समय शार्प और फुर्तीले रहते हैं। दोस्तों, अगर हमें वायरल जैसी तकलीफ होती है तो उसमें भी हमें लड़ने की शक्ति मिलती है, और वायरल में भी हम स्ट्रांग रहते हैं। बाहर से हम भले ही कमजोर दिखें, पर अंदर से हम खुद को स्ट्रांग महसूस करते हैं। माइंड को शार्प करता है। ये आपके माइंड को भी शार्प करता है कि जो भी आप पढ़ें वो सब आपको याद रहे। ये आपके सोचने की शक्ति को भी बढ़ाता है और आपका माइंड भी शार्प हो जाता है। कैसे बड़ों के लिए है बॉर्नविटा फायदेमंद? अगर आप ये सोचते हैं कि बॉर्नविटा सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही बना है तो सिर्फ उनके लिए ही होता है, पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें रोज एक लिक्विड हेल्दी डाइट चाहिए, और हम बाहर से फालतू की चीजें खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब सिर्फ हम स्वाद के लिए खाते हैं, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नहीं। पर जो हमारे शरीर को फायदा करता है वो है बॉर्नविटा। आंखों की रोशनी तेज करता है। आप सोच रहे होंगे कि बॉर्नविटा का आंखों से क्या कनेक्शन है। बॉर्नविटा के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के साथ साथ आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। दोस्तों, इतने सारे फायदे जानने के बाद अब इस बॉर्नविटा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। वैसे तो बॉर्नविटा के बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। बॉर्नविटा हमारे शरीर को अंदर और बाहर दोनों ओर से मजबूत करता है, लेकिन बॉर्नविटा के अंदर शक्कर बहुत होती है, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। दोस्तों, अगर आप एक ग्लास पानी में बॉर्नविटा को 15 से 20 सेकंड तक मिलाएंगे, फिर ध्यान से ग्लास के नीचे देखेंगे तो आपको अलग ही शक्कर की परत देखने को मिलेगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि बॉर्नविटा में कितनी ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल करने की वजह से ये ओरल बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है, जिससे दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बॉर्नविटा को पीने से आपको तुरंत तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन शुगर का अत्यधिक इस्तेमाल होने की वजह से बाद में आपको थकान महसूस होने लगेगी। इस तरह की ड्रिंक्स पीने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, लेकिन बाद में आप थकान महसूस करते हैं। इस तरह की ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं। आर्टिफिशियल कलर भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होते हैं। इस तरह की ड्रिंक्स में पोषण नहीं होते हैं, जिस वजह से ये डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई बीपी लेवल, मोटापे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इन सब के अलावा स्वस्थ लोगों को भी कई बीमारियों से बचने के लिए माल्ट ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स का कम सेवन करना चाहिए। चीनी का अत्यधिक सेवन ओरल बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है, जिससे दांतों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। बॉर्नविटा उपयोग करने का सही तरीका। दोस्तों, किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले हमें सबसे पहले उसे उपयोग करने का सही तरीका मालूम करना चाहिए, जिससे कि उसके साइड इफेक्ट को कम किया जा सके। दोस्तों, सबसे पहले 1 कप गर्म दूध लें और उसमें बॉर्नविटा मिला दें। फिर बॉर्नविटा को अच्छे से मिला लें और उसके बाद इसे पी लें। लेकिन ध्यान रहे, गर्म दूध में बॉर्नविटा मिलाकर पीने से अंदर से भी मजबूती मिलती है। भूल कर भी ठंडे दूध में बॉर्नविटा मिलाकर ना पिए, इससे आपकी हड्डियों पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा।
शुद्ध दूध में बॉर्नविटा मिलाकर पिएं, इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ नीचे हमें कमेंट में बताएं कि आप दूध में क्या मिलाकर पीते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।